तो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एनके रावत। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCECELE से बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेज में ब्रांच बाय ब्रांच कितना टोटल सीट है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको, इस वीडियो में हम आपको एक तो PDF के माध्यम से एकदम टोटल सीट दिखाने वाले हैं कि टोटल सीट ब्रांच वाइज ब्रांच कितना है। आपको मालूम होगा कि टोटल बिहार में कितने कॉलेज हैं, 38 कॉलेज है, सबका सब क्या है, जियो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके, तो प्रत्येक कॉलेज में एकदम ब्रांच वाइज ब्रांच आपको हम दिखाएंगे कि टोटल सीट कितना है। तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि टोटल कॉलेज लिस्ट आ गया है। इसमें देखिए टोटल का टोटल कितना कॉलेज है, टोटल यहाँ पर देख लिए होंगे कि टोटल आपका 38 कॉलेज है। कितना है यहाँ पर देखिए, टोटल 38 है। फर्स्ट में देखिए BCE भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, MIT, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी, उसके बाद गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग JPIT छपरा, उसके बाद BCE बख्तियारपुर कॉलेज, ओके, SIT बेगूसराय सासाराम। मतलब बिहार में आपको मालूम होगा कि साथियों कि टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। कितना है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आपका CM सर जो है नीतीश कुमार, प्रत्येक कॉलेज में खोल दिया गया है, बहुत खुशी की बात है। देखिए आप इस लिस्ट में देख रहे हो कि टोटल आपके डिस्ट्रिक्ट नाम है, ऐसा कौन डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसमें, खोजिए आपकी जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। प्रत्येक कॉलेज में बन गया है, किसी का कैंपस अभी दूसरे कैंपस में चलता है, बिल्डिंग अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो दूसरे कैंपस में सबका चलता है। तो एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें किसका कौन सा कैंपस कंप्लीट, किसका कैंपस कंप्लीट नहीं हुआ है और किस में चलता है उसका कैंपस। ठीक है, तो एक वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि किसका कंप्लीट हो गया अपना बिल्डिंग और किसका कंप्लीट नहीं हुआ है, किस में चल रहा है, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो इसमें चलते हैं कि टोटल सीट ब्रांच वाइज ब्रांच कितना है। तो आप इसमें पहले चलिए सिविल का देख लेते हैं। इसमें देखिए सिविल है, सिविल में आप कॉलेज बाय कॉलेज देखिए कितना है। भागलपुर में देखिए 6 सीट है, उसके बाद MIT 6, उसके बाद 6 टोटल। इसमें आप देख रहे होंगे टोटल आप यहाँ से मतलब यहाँ तक मोतिहारी दरभंगा चंडी बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बख्तियारपुर पटना बेगूसराय उसके बाद सहरसा मधेपुरा, प्रत्येक में आपका 6 सीट है। एक्सेप्शन में आपको एक दो कॉलेज में बढ़ा दिया है, जिसमें हो गया नवादा में कितना 12 कॉलेज कर दिया गया, मुंगेर में 12 सीट कर दिया गया, मधुबनी में 12 कर दिया गया, लखीसराय में 12 कर दिया गया है, उसके बाद आपका बाकी दो तीन कॉलेज में लखीसराय में 12 है, देखिए मुंगेर में नवादा में जो नया बिल्डिंग बना है ना उसमें थोड़ा सीट बढ़ा दिया गया है। तो इसमें आप जिसका मतलब सपना है कि सिविल से हम बिहार से इंजीनियरिंग करें, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका टोटल सीट कितना है, टोटल कितना है आपका 264 सीट। सबसे ज़्यादा सीट लग रहा है हमको सिविल में ही है। सिविल में कितना टोटल सीट है, 264। चलिए दूसरा ब्रांच में देख सकते हैं, दूसरा ब्रांच क्या है, दूसरा देखिए कंप्यूटर साइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है बीटेक के लिए। साथियों आपको बता दें, बीटेक के लिए यदि आप बिहार से बीटेक कर रहे हैं, यदि आपका CS ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, तो बहुत ही खतरनाक ब्रांच है, बहुत ही अच्छा है, डिमांडेबल ब्रांच है, इसका डिमांड बहुत रहता है, जल्दी फुल हो जाता है। और इससे आप पता लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ तक ही CS ब्रांच दिया गया है, भागलपुर मुजफ्फरपुर मोतिहारी गया दरभंगा चंडी पटना बेगूसराय सासाराम मधेपुरा कटिहार पूर्णिया सहरसा, यहाँ तक कटिहार तक ही दिया गया है CS ब्रांच। आप अंदाज़ा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी CS ब्रांच नहीं दिया गया है, कटिहार मधेपुरा सासाराम बेगूसराय सीतामढ़ी पटना छपरा चंडी दरभंगा, मतलब इन सभी कॉलेज में ही
दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है, यहाँ से आपका कटिहार तक ही दिया गया है, सासाराम में भी है, उसके बाद ना आपका सुपौल सहरसा कहीं भी नहीं दिया गया, ठीक है। उसके तो टोटल देखा जाए तो आपका सीएस ब्रांच कितना है, टोटल आपका 72। और एक खुशी की बात है साथियों, 2022 से जो एडमिशन हो रहा है ना, 2022-23 से सेशन 22-23, इसमें सीएस ब्रांच बढ़ा दिया गया है, लगभग सभी कॉलेज में दे दिया गया है सीएस ब्रांच, सभी कॉलेज में ऐड कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, बट सभी कॉलेज में आपका अलाउ कर दिया गया है सीएस ब्रांच, सभी कॉलेज में सीएस ब्रांच अलाउ यहाँ से सभी कॉलेज में होगा। 2022 से आपका इस 23 जो सेशन चलेगा ना, इसमें ऐड कर दिया गया है। बाकी का और भी ब्रांच देख लीजिए, जिसमें आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देख लीजिए, टोटल 100 सीट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली फॉर MIT में ही है, जो 4 सीट है, बहुत ही खतरनाक ब्रांच समझिए, एक तरह से 4 सीट है पूरे बिहार में, तो समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देख लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लिए, उसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेदर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स सबका सब है। तो चलिए मैकेनिकल में देखते हैं, मैकेनिकल में भी आपको अच्छा खासा है 228, इलेक्ट्रिकल में 192। उसके बाद आपका कौन ब्रांच हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपका हो गया कितना, लेदर टेक्नोलॉजी में 2 ही है, लेदर टेक्नोलॉजी में 2, वो भी MIT में है लेदर टेक्नोलॉजी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया टोटल 54 सीट हो गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किस में दिया गया है, भोजपुर में दिया गया है, भोजपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सा ब्रांच दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भोजपुर में आपका टोटल सीट इंस्ट्रूमेंटेशन का 6 सीट है, ओके। उसके बाद ट्रिपल ये नहीं दिखाई दे रहा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसमें पूरा टोटल लिस्ट देख सकते हैं, आप मिला लीजिए कौन कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, कितना सीटें हैं। और टेंशन नहीं लीजिएगा, ये ब्रांच है ना CS कंप्यूटर साइंस, ये सभी कॉलेज में होगा, इस साल से कर दिया गया है, लागू कर दिया गया। यदि आपके पास ये PDF होगा तो आराम से देख लीजिएगा, यदि आपके पास PDF प्रोवाइड नहीं है तो आप हमको मैसेज कीजिए, आपको हम भेज देंगे, या आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम दे देंगे, नहीं तो PDF अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो इसी तरह के वीडियो यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड कोई भी एनी डाउट है मेरे प्यारे साथियों आपको, तो आप बेशक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आराम से, साथियों इसमें देख सकते होंगे कि आपका ओवरऑल टोटल सीट कितना हो गया, 922 सीट है, एलिस 1000 से कम।